Dibar Next Generation Interlock Steel, Rajshri Pan Masala, India ka favorite pan masala, Marg ERP, GST mein aapki business ka sampoorn samadhan, Paris Kheer, badhaye apni sehat aur taakat natural tarike se, APL Footwear, chalte chalo. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रेलवे की लापरवाही से हुए बड़े हादसे पर देंगे आपको ताजा अपडेट हेडलाइंस के बाद। प्रस्तुत करता पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना रूसी आदि समस्याओं का समाधान। मुजफ्फरनगर रेल हादसे में सामने आई रेलवे की बड़ी लापरवाही, एबीपी न्यूज की पड़ताल में मिली कटी हुई पटरी और मरम्मत के औजार, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोकने वाली लाल झंडी भी मिली। कल एक्सप्रेस हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत, 156 घायल। कल मुजफ्फरनगर के पास खतौली में ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे। मोदी सरकार में रेलवे के छोटे बड़े 350 से ज्यादा हादसे। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बीएसपी ने मांगा सुरेश प्रभु का इस्तीफा। टेस्ट के बाद अब वनडे की पारी, भारत और श्रीलंका के बीच दोपहर 2:30 बजे से पहला वनडे। मोदी सरकार में एक और बड़ा रेल हादसा। पुरी से हरिद्वार जा रही कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। मेरठ मुजफ्फरनगर के बीच खतौली में हादसा। रेलवे लाइन से सटे घर और स्कूल में घुसी बोगियां। एबीपी न्यूज की पड़ताल, पटरी पर चल रहा था मरम्मत का काम। एबीपी न्यूज को मौके पर मिले औजार और टूटी पटरी। एटीएस ने भी माना मरम्मत की जा रही पटरी पर गुजरी ट्रेन। मरम्मत की जा रही पटरी से कैसे गुजरी ट्रेन? एबीपी न्यूज पर रेल हादसे की सबसे संवेदनशील और सबसे विश्वसनीय कवरेज। कल शाम ये रेल हादसा पेश आया और कल शाम से लेकर अब तक इस हादसे से जुड़ी क्या है बड़ी बातें, ये आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली में कल कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस रेल हादसे में मरने वालों की संख्या अब 23 हो चुकी है, 156 लोग घायल हैं और मुजफ्फरनगर मेरठ हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती हैं। इस रेल हादसे के पीछे रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि ट्रेन को मरम्मत वाले ट्रैक से गुजरने दिया गया। इस हादसे में अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लालू और बीएसपी ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। सुरेश प्रभु के इस्तीफे की मांग अब तेज हुई है। बीएसपी ने यह मांग की है, लालू ने यह मांग की है। एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है, क्या रेलवे की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पटरी की मरम्मत की जा रही थी तो ट्रेन को कैसे गुजरने दिया गया? तीसरा सवाल, क्या रेल मंत्री सुरेश प्रभु को इस्तीफा देना चाहिए? मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज ने खतौली के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र सिंह का दावा पेश किया है कि स्टेशन मास्टर को तकनीकी खराबी की कोई जानकारी नहीं थी। सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक